आपने हमारे चैनल पर फैक्ट्री में इरेजर और पेंसिल बनते तो देख लिया होगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हमेशा आपके काम आने वाले पेन यानी कलम फैक्ट्रियों में कैसे बनाए जाते हैं। तो पेन बनाने का काम 3 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। स्टेप नंबर 1, आउटर बॉडी मेकिंग। इस स्टेप में कलम के आउटर बॉडी को बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल में पॉलीप्रोपिलीन को पॉलीमर का यूज होता है, इसे PPC भी कहते हैं। यह वजन में हल्का प्लास्टिक ग्रेनुअल्स होता है। अब इन सभी को मिक्सचर में मिक्स करके एक बड़े से हॉपर में डाल देते हैं। साथ ही इसमें जिस कलर का प्लास्टिक चाहिए होता है उस कलर का प्लास्टिक पॉलीमर भी इसमें डाला जाता है। यहाँ एक वैक्यूम ट्यूब इस PPC ग्रेनुअल्स को बड़े से गर्म भट्टी में ले जाती है, जहाँ पर ये पिघल कर मोल्डिंग मशीन में चले जाते हैं। और कुछ इस तरह से मोल्डिंग मशीन से पेन का आउटर बॉडी तैयार किया जाता है। बिल्कुल इसी प्रक्रिया द्वारा पेन का कैप और रिफिल ट्यूब्स भी तैयार कर लिया जाता है। अब पेन का आउटर बॉडी तैयार हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 में आता है पेन का इनर पार्ट, जिसमें सबसे पहले पेन के इंक यानी स्याही को तैयार किया जाता है। इसको बनाने के लिए नेचुरल वैक्स, उसके साथ वार्निश जो कि शहद जैसा गाढ़ा होता है, और कोबाल्ट को एक साथ एक बड़े से मिक्सर में डाल दिया जाता है और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। और जिस भी कलर का स्याही या इंक चाहिए होता है उस कलर के पिगमेंट को डालकर मिक्स कर देते हैं और कुछ इस तरह से इंक तैयार हो जाती है। अब पेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया जाएगा, जो कि पूरे पन्ने पर घूम घूम कर उसमें स्याही को छाप देता है। जी हाँ, अब इस चमकीले टाइनी मेटल बॉल्स को बनाया जाता है। इसके लिए स्टील के पतले वायर को बॉल हैंडिंग मशीन में डाला जाता है, जो इन तारों को काट कर कुछ इस तरह से बॉल्स का शेप दे देती है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं। तार अंदर जाते ही एक कटर द्वारा काट दी जाती है और सामने से 10 टन जितने वजन से दबाकर उसे बॉल्स का शेप दे दिया जाता है। और इसे कुछ ऐसे एकदम परफेक्टली स्फेरिकल शेप दे दिया जाता है। अब इस बॉल्स को पॉलिश करने के बाद एकदम चमकदार कर दिया जाता है। तो अब नीब को बनाया जाएगा, जिसमें कि ये छोटी छोटी मेटल बॉल फिट होने वाली है। इसके लिए खोखले मेटल ट्यूब्स को पॉलिश कर उसकी कटिंग कर दी जाती है और कुछ इस तरह उन टुकड़ों को कोन का शेप दे दिया जाता है। और फिर तैयार मेटल बॉल्स को इस मशीन में डाल दिया जाता है, जहां ऑटोमेटिक ये बॉल्स छोटी छोटी निब्स में फिक्स हो जाते हैं। तो अब फाइनली सब कुछ तैयार हो चुका है। अब स्टेप 3 में आता है असेंबलिंग, जिसके लिए सबसे पहले ये इंक इंजेक्टिंग मशीन इस रिफिल ट्यूब्स में इंक को भर देती है और अब रिफिल इंक से फिल हो जाने के बाद इनके टिप पर इन तैयार निब्स को अटैच कर दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जो सस्ते कलम होते हैं वो उल्टी कर देते हैं, मतलब कि जिन्हें जेब में रखने पर वो अपने आप कलम के पीछे से उसकी स्याही निकल जाती है, जिससे हमारे कपड़े तो खराब होते ही हैं, साथ ही जेब में रखा जो भी सामान होता है वो भी रंग बिरंगा हो जाता है। ये कलम की उल्टी करने वाली घटना जिन जिन के साथ हुई है कमेंट में जरूर बताना। और ये उल्टी वाली घटना ना हो इसलिए रिफिल के पीछे सिलिकॉन जेली को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब रिफिल भी बनकर तैयार हो चुका है और पेन का आउटर बॉडी और कैप तो पहले से ही तैयार था। अब इन सभी को असेंबल कर दिया जाता है और ऐसे हमेशा आपका साथ देने वाला कलम तैयार हो जाता है। अब इतनी जानकारी दी है तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना और कमेंट में जरूर बताना आप कौन सी कंपनी का पेन इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब फैक्ट्री में पेंसिल कैसे बनती है ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लेना, वीडियो काफ़ी अच्छी है।